भत्ता माफिया ग्रुप नॉर्थ नाजमाबाद में सरगरम। आसिया बलोच नामी औरत, जो कि खुद को किसी बलोच एनजीओ की सरबरा बताती है, और उसने जो भयानी सेंटर में मौजूद जो ऑफिसेस हैं, इनमें जाकर जबरदस्ती ऑफिस खाली करवाना और जबरदस्ती कब्जा करवाना, उसने डोनेशन के नाम पर 10 लाख रुपए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म के मालिक जनाब एस ए कादरी साहब से मांगा। वाजिर है कि एस ए कादरी साहब मुल्क के नामवर सहाफी हैं और कई किताबों के मुसन्निफ हैं। इनसे 10 लाख रुपए भत्ते की मद में कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दें, वरना मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। आज सुबह 10:30 बजे जनाब एस ए कादरी साहब के घर जाकर भी धमकियां दी, और धमकियां देने के बाद कि मुझे 10 लाख रुपए भत्ता चाहिए एनजीओ की मद में, आप हमें पैसे दे दें, हमारे इलाके के लोगों की छत टूट गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। ये बिल्कुल ऐसा ही स्टाइल है, जब पीपल्स अमन कमेटी बनी थी तो वो भी एनजीओ के नाम पर इसी तरह भत्ता लेते थे। तमाम एजेंसीज और तमाम जिम्मेदार इदारों को एप्लीकेशन अरसाल कर दी गई हैं। इनके खिलाफ सहाफ़ी हजरात में भरपूर इश्तियाल है। सहाफ़ी चाहते हैं कि इस मुल्क को भत्ता माफिया से रेंजर साफ करे। डीजी रेंजर साहब को भी दरख्वास्त अरसाल कर दी गई है।